हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ की मैथ्स की एन तो हम चैप्टर ट्वेल्व पढ़ रहे थे उसमें हमने एक्सरसाइज ट्वेल्व पॉइंट वन पूरी कर ली थी और अभी हम कर रहे हैं ट्वेल्व पॉइंट टू तो ट्वेल्व पॉइंट टू में हमने एट्थ तक सारे क्वेश्चन कर लिए हैं इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं तो क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन कहता है ब्रांच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 एमएम mm. तो इसने क्या बोला है एक ब्रॉच है जो सिल्वर वायर से बना हुआ है कौन सी फॉर्म में सर्कल की फॉर्म में और उस सर्कल का डायमीटर क्या है 35 मिलीमीटर mm. तो ये रहा वो डायग्राम एक सर्कल है उसमें डायमीटर क्या है ये डायमीटर ये क्या है 35 एमएम mm का है आगे क्या कहा है इसने द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग फाइव डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इन टू टेन इक्वल सेक्टर्स देखो इसने बोला है पाँच डायमीटर बने देखो फर्स्ट ये डायमीटर है सेकेंड ये डायमीटर है थर्ड ये डायमीटर है फोर्थ ये डायमीटर है फाइव ये रा तो पाँच डायमीटर बने हुए हैं उस पांच डायमीटर ने सर्कल को टेन सेक्टर्स में बांट दिया है और वो सेक्टर्स क्या है बराबर है फर्स्ट सेक्टर सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट नाइन्थ टेंथ तो ये सारे क्या हैं बराबर है तो उसने क्या पूछा है इसे दो पार्ट्स पूछे हुए हैं फर्स्ट पार्ट बोला हुआ है द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज या फिर रिक्वायर्ड तो इसने बोला है टोटल कितना सिल्वर वायर यूज हुआ है इसको बनाने में तो देखो मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताती हूँ उससे आपको अच्छे समझ आएगा कि हमें कैसे इसका आंसर निकालना है सिल्वर वायर कहाँ कहाँ यूज हुई है देखो डायग्राम में हमें क्या दिया हुआ है एक आउटर सर्कल भी दिया हुआ है लेकिन उसका हमें यूज़ नहीं करना है सिर्फ ये वाले सर्कल की बात करनी है क्योंकि हमें डायमीटर उसी का पता है तो देखो मैं यहाँ पे डायग्राम बना रही हूँ एक्सप्लेन करने के लिए जस्ट देखो एक यूज हुआ है सर्कल बनाने में सिल्वर का तो एक सर्कल बनाने के लिए हमने यूज किया सिल्वर का तो इसे क्या बोलेंगे पेरीमीटर बोलेंगे इस लेंथ को क्या बोलते हैं पेरीमीटर बोलते हैं तो यहां आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ सर्कल तो यहां आ गया पेरीमीटर ऑफ सर्कल अब देखो अब पांच डायमीटर बनाने के लिए भी सिल्वर वायर का यूज हुआ है तो एक डायमीटर कितने एम mm का है थर्टी फाइव ऐसे उसने पांच बनाए हैं दूसरा प्लस थर्टी फाइव तीसरा चौथा एंड लास्ट हमारा पांचवा देखो इसको आप बड़ा सा करके ऐसे लिखो थर्टी फाइव प्लस थर्टी फाइव प्लस थर्टी फाइव पांच बार या फिर इसको ऐसे लिखो फाइव इंटू थर्टी फाइव बचपन में पढ़ा था अगर कोई भी चीज प्लस में है तो उसे काउंट कर लो कितनी बार है वन टू थ्री फोर फाइव तो यहाँ पे पांच लिख दिया अब उसको मल्टीप्लाई कर दो जो लिखा हुआ है यहाँ पे क्या लिखा हुआ थर्टी फाइव तो यहाँ क्या थर्टी फाइव तो यहाँ आ गया फाइव इन टू डायमीटर तो इस डायग्राम को मैं मिटा रही हूं आप क्या करेंगे जस्ट वैल्यू पुट करनी है पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है टू पाई r प्लस का प्लस फाइव इन इसको ब्रैकेट में लिख दिया मैंने डायमीटर डायमीटर क्या है हमारा डायमीटर यहाँ पे क्या दिया हुआ थर्टी फाइव यहाँ लिख दिया थर्टी फाइव अब जस्ट हमें वैल्यू पुट करनी है टू इन टू ट्वेंटी टू सेवन पाई की वैल्यू क्या रख दी मैंने ट्वेंटी टू बाई सेवन इन टू रेडियस क्या है देखो डायमीटर का हाफ क्या होता है रेडियस तो डायमीटर लिख दिया और उसका हाफ़ कर दिया तो ये क्या हो गया रेडियस हो गया प्लस का प्लस अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव टू कैरी फाइव थ्री जा फिफ्टीन फिफ्टीन प्लस टू सेवनटीन अब देखो यहाँ पे काटा पिटी हुई है टू से टू कैंसिल सेवन वन जा सेवन सेवन फाइव जा थर्टी फाइव तो ये आ गया ट्वेंटी टू इन टू फाइव इसको ब्रैकेट में कर दिया प्लस का प्लस वन सेवेंटी फाइव अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फाइव टू जा 10, यहाँ पे आ गया 5 10, प्लस 1, 11. प्लस का प्लस, 175. अब इन दोनों को प्लस करेंगे 5 में 0 प्लस किया 5. 7 में 1 प्लस किया, 8. 1 में 1 प्लस किया किया टू टू आंसर आ गया है अब यूनिट देखो यूनिट क्या लगानी है ये सब किसमें चल रहा है मिलीमीटर में तो यहां जगह मिलीमीटर तो फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर आ गया है 285 मिलीमीटर। mm. तो हमें फर्स्ट पार्ट में पूछा गया था कि टोटल लेंथ सिल्वर वायर की जो यूज हुई है वो कितनी है तो हमने निकाल दिया है कितनी हुई है 285 मिलीमीटर। mm. तो फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया अब हम जाएंगे सेकंड पार्ट पे अब देखो सेकंड पार्ट में क्या बोला है बोला है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉच अब देखो ये एरिया कैसे निकालेंगे देखो मुझे पता है एक सर्कल है सर्कल में पांच डायमीटर है इसने दस पार्ट में डिवाइड करा है एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ये दस के दस क्या है बराबर है ये दिखने में नहीं लग रहा क्योंकि मैंने ढंग से ड्रॉ नहीं किया है बट ये बराबर है ऐसा गिवन है जैसे इस डायग्राम में दिया है कि ये बराबर है तो मुझे निकालना है सिर्फ एक का एरिया एक का एरिया निकालना है मुझे किसी एक का तो देखो ये टोटल टेन पार्ट्स का एरिया कितना है ये टेन पार्ट्स मिलके सर्कल बना रहे हैं और सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर मुझे सिर्फ एक पार्ट का निकालना है तो मुझे यहां पे क्या चाहिए वन चाहिए तो इसको वन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा टेन से डिवाइड करना पड़ेगा तो इधर टेन से डिवाइड करा है तो इधर भी से डिवाइड करना पड़ेगा तो ये कैंसिल होकर क्या आ गया वन तो वन पार्ट का एरिया कितना है वन अपॉइन टेन इंटू पाई आर स्क्वेर तो ये रहा मेरा फॉर्मूला जिससे मेरा क्या आएगा द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉच तो इस फॉर्मूले को मैं यहाँ लिख देती हूँ वन अपॉइन टेन इंटू पाई आर स्क्वा अब क्या करते हैं इसको रब करते हैं अब देखो जस्ट हमें क्या करना है वैल्यू पुट करनी है वन अपॉन टेन इन टू पाई क्या होगा ट्वेंटी टू बाय सेवन इन टू आर क्या होगा देखो डायमीटर क्या है हमारा थर्टी फाइव तो रेडियस कितना होगा डायमीटर का आधा कर दो तो यहाँ पे आएगा थर्टी फाइव अपॉन टू इन टू थर्टी फाइव अपॉन टू अब देखो अब करेंगे काटापिटी सेवन वन जो सेवन सेवन फाइव जो थर्टी फाइव फाइव वन जावन जा टी टू जा अब क्या बचा इन टू यहाँ पे कुछ नहीं बचा यहाँ पे बचा थर्टी फाइव अपॉन टू तो क्या करेंगे इलेवन को थर्टी फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा थ्री एट फाइव टू इंटू टू फोर तो ये मेरा आंसर थ्री एटी फाइव अपॉन फोर अब देखो यूनिट क्या आएगी यूनिट क्या चल रही है यहाँ पे मिलीमीटर तो यहाँ आएगा मिलीमीटर का स्क्वायर स्क्वायर क्यों आएगा क्योंकि एरिया की बात हो रही है तो फाइनल मेरा आंसर आ चुका है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच इज थ्री हंड्रेड एट्टी फाइव अपॉन फोर मिलीमीटर स्क्वायर तो एक पार्ट का एरिया एक पार्ट का ये आ गया मेरा थ्री एटी फाइव अपॉइंट फोर मिलीमीटर स्क्वायर तो इस वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया क्वेश्चन नंबर नाइन जिसके दो पार्ट थे और दोनों पार्ट मैंने आपको करा दिए वन बाय वन अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मैंने बहुत सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें मैंने क्लास टेंथ के कुछ चैप्टर्स करा रखे हैं तो आप किसी को जानते हैं जो टेंथ क्लास में है आप उनको शेयर कर सकते हैं प्लेलिस्ट उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो इस वीडियो में इतना ही अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल बिल्कुल मत भूलना तो इस वीडियो में इतना ही अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में आई होप आपको सबको समझा गया होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग